मैडम जिस हिसाब से यहाँ पर देखा गया है क्रैच भी की है, दूसरी क्रैचों में ये चीज़ मिस देखते हैं, जनरल लोडर्स की जो यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं बच्चों की, एक नई किस्म की क्रैच लग रही है जो आप तौर पर नहीं देखेंगे। ये कैसे माइंड में आया कि ये बच्चों को हमें हिंदी रखना है, तो ये जो चीज़ें भी हमें रखनी होगी ताकि बच्चे जनरल ओरिजिन नहीं। ये जो आइडिया है इसको कैसे इक्विप करना है, जैसे अभी मैडम ने बताया है तो लोकल डीसी की मदद से और जो इनका सोशल वेलफेयर वूमेन एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनकी गाइडेंस से इन्होंने इसको इक्विप किया है, और प्लस इनका हेडक्वार्टर्स दे आर ऑल यंग ऑफिसर्स आजकल की जनरेशन के हैं, उनको मालूम है भी किस चीज़ की ज़रूरत है बच्चों की। तो नॉर्मली इस तरह का नहीं होता पर माहौल अच्छा बनाया है, तो ये गाइडेंस है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की चंडीगढ़ की, इनका अपने क्रिएटिविटी है, मैडम पूनम सिद्धू जो हैं शी इज़ वेरी क्रिएटिव एंड वेरी इनोवेटिव इन आइडियाज़, इन्होंने अपने बच्चे भी बड़े अच्छे से बड़े किए हैं, आई नो हर फॉर मेनी इयर्स। यहाँ पे देखा गया है जिस तरह से दूसरे क्रैचे में बच्चे सोना चाहते हैं वहीं पे सो देते हैं, लेकिन एक अलग से ये जगह बनाई गई है, स्थाई जगह बनाई है ताकि बच्चे शोर शराबे से दूर होकर आराम से सो सके। हाँ इसके बारे में बोलो। नहीं ये तो आई थिंक लॉजिकल है, पहले तो ऐसे होता था ना कि जगह की कमी है, इन्होंने सफिशियंट स्पेस दे दी और सफिशियंट स्पेस दे दी और द चाइल्ड हु वांट्स टू प्ले, जो खेलना चाहता है वो खेल सकता है, जो सोना चाहता है सो सकता है, अनइंटरप्टेड स्लीप रहती है, दूसरा बच्चा डिस्टर्बेंस नहीं करता, तो वो क्वालिटी टाइम दोनों का है, खेलने वाले का भी क्वालिटी टाइम है, सोने वाले का भी क्वालिटी टाइम है। और इसमें तो क्रेडिट तो इन्हीं लोगों को जाता है जिन्होंने प्लानिंग की है, मैं तो सिर्फ इसका उद्घाटन करने आई हूँ, मेरी प्लानिंग में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गाइडेंस ऑफ कोर्स है, पर जो अभी आजकल गाइडलाइंस बन गई हुई हैं, देयर आर सो मेनी स्टैंडर्डाइजेशन ऑन दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो वो इनके पास स्पेस था, स्पेस इन्होंने निकाला और उसके हिसाब से इन्होंने ये बंदोबस्त किया। सबसे पहले तो ये बताइए जो ये काफ़ी देर से डिमांड थी कि एक क्रैच यहाँ होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे जो है काफ़ी जो छोटे बच्चे थे पेरेंट्स उनको घर छोड़ के नहीं रहे, ये काफ़ी देर से आप आए, आपने जिस तरह से तेजी दिखाई ज़रूरत होनी चाहिए बच्चों के उसके बारे में। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि हम बहुत आभारी हैं डीसी चंडीगढ़ और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर शालिनी जी के, क्योंकि क्रेश को हम बगैर प्रोफेशनल मैनेजमेंट के नहीं चला सकते थे। मेरी जो टीम है खास करके जायद और पुनीत वालिया, इन्होंने ये हेडक्वार्टर में दोनों अफसर हैं, इन्होंने लिटरली रातों रात CPWD की मदद से ये पूरा कमरा तैयार किया, खिलौने वगैरह जो आपको भी पता है हमें जेम पे ख़रीदने पड़ते हैं वो सब खरीदे और तैयारी की, लेकिन हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बगैर नहीं चला सकते थे। और वहाँ आई मस्ट थैंक DC चंडीगढ़ एंड सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर शालिनी जी जिन्होंने हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट दी है। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मैडम हैं और उनके यहाँ पे जो जिनको उन्होंने तैनात किया है वो ये मैडम हैं और उनकी हेल्पर हैं, और ये मैडम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं, ये लोग क्रेश को प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हैं, तो हम आभारी हैं उनके। और डिपार्टमेंट की तरफ से सभी लेडीज़ को निश्चिंत होकर अपने बच्चे छोड़ने की एक जगह मिल गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं मैडम सुनीता पुरी, हमारे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर रह चुके हैं और उनकी गाइडेंस में हमने सीखा है कि स्टाफ वेलफेयर को ऑन टॉप सुप्रीमेसी देनी चाहिए, अब उसका हिंदी का मुझे नहीं पता।